नमस्ते, मैं डॉक्टर तरुण कुमार वैद, न्योटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर से, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर बाकी सभी कैंसर से ज्यादा जाने लेता है पूरी दुनिया में हर साल। जैसे 2020 में करीब 1.8 मिलियन, करीब 18 लाख जानी गई है लंग कैंसर के कारण, और इंडिया में ही सिर्फ 10 लाख जाने गई हैं लंग कैंसर के कारण इन 2020। लंग कैंसर क्यों होता है? लंग कैंसर में देखा गया है कि मोस्टली जो लोग स्मोकिंग करते हैं और ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर ज्यादा होता है। और उस समय ये भी देखा गया है कुछ फैमिलीज में अगर लंग कैंसर का हिस्ट्री है तो उस फैमिली के मेंबर को स्मोकिंग करने से कैंसर होने का चांसेस बाकी लोगों से ज्यादा रहता है। लंग कैंसर कैसे समझ में आता है किसी को लंग कैंसर है? क्या इनिशियल सिम्टम होते हैं? जैसे छाती में दर्द रहना, खांसी आना और खांसी के साथ खून निकलना, और कुछ लोगों को इसके बावजूद दूसरे सिम्टम रहते हैं जैसे सांस की तकलीफ और छाती में भारीपन। लंग कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? लंग कैंसर का डायग्नोसिस इनिशियली अगर एक्सरे में सजेस्टिव हो तो हम लोग सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन में अगर सजेस्टिव रहता है तो हम लोगों को सीटी स्कैन में लगता है कि लंग के किसी एरिया में कोई गांठ है तो उससे हम लोग बायोप्सी लेते हैं। वो बायोप्सी दो तरीके से ली जा सकती है, जो मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक होती है फाइन नीडल एस्पिरेशन, कई बार हम लोग करते हैं नीडल घुस के छाती के अंदर से बायोप्सी लेना, कई बार कोर बायोप्सी लेनी होती है, और एक प्रोसीड्यूर होता है ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी जो हम लोग पल्मोनोलॉजिस्ट करते हैं, जिसमें सांस की नली के अंदर देख के अगर वहां कोई गांठ मिलती है तो उसमें से एक छोटा सा स्पेसिमेन लेके कैंसर का डायग्नोसिस एस्टेब्लिश किया जाता है। कैसे हम लोग लंग कैंसर को अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं? अगर किसी को ऐसे सिम्टम हो कि छाती में दर्द हो, खांसी में खून आ रहा हो, सांस की तकलीफ हो, तो जल्दी से जल्दी पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाइए। पल्मोनोलॉजिस्ट एक्सरे करके अगर डाउटफुल लगता है या सिम्टम से बहुत ज्यादा डाउटफुल लगता है तो आपको एक लो डोज सीटी स्कैन करने की एडवाइस देता है। लो डोज सीटी स्कैन, यूजुअल सीटी स्कैन जिसमें एक्सपोजर करीब सैकड़ों एक्सरे का एक्सपोजर होता है, लो डोज सीटी स्कैन से वो एक्सपोजर हम लोग कम करके 10 से 15 एक्सरे के बराबर का एक्सपोजर पे ले आते हैं। पर इससे लंग कैंसर के डायग्नोसिस में कई बार अर्ली डायग्नोसिस में बहुत हेल्प मिल जाती है। साथ ही एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लंग कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले लंग कैंसर को रोकने के लिए, देखा गया है कि स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि एसोसिएटेड है लंग कैंसर के साथ में। सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं, स्मोकिंग सबसे बड़ा रीजन है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का, अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक दमा और सीओपीडी, एस्मा, सबके एग्जैजरेशन के लिए स्मोकिंग दाई है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है बिहेवियरल थेरापी, मतलब उनको मोटिवेट करना, उनको समझाना क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के। उसके बाद में अगर वो मोटिवेटेड हो जाते हैं और स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी अवेलेबल है, निकोटीन गम, निकोटीन पैच, इसके सिवा भी कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल है जो उनको हेल्प कर सकती है स्मोकिंग छोड़ने के लिए। पर इन सब के बावजूद भी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है बिहेवियरल थेरेपी। तो यही रहा आज का विषय। थैंक यू।